रणवीर दीपिका के रिलेशनशिप में फिर आई प्रॉब्लम। क्या रणवीर दीपिका के रिलेशनशिप का होगा दी एंड? रणवीर दीपिका के रिलेशनशिप पर लगा क्वेश्चन मार्क। क्या इनकी लव स्टोरी का होगा दी एंड? ऐश्वर्या राय बच्चन ने प्रमोशंस में रणबीर को छोड़ा अकेला, क्या इसकी वजह है बिग बी? दीपिका के निशाने पर आई कंगना और प्रियंका। क्या हिट फिल्म्स के लिए कटरीना कैफ हो गई हैं डेस्परेट? चाहे रणबीर दीपिका के बीच आई प्रॉब्लम हो या ऐश्वर्या के ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन से दूर रहने की रियल वजह, हर न्यूज आपको मिलेगी सबसे पहले यही, क्योंकि ये है प्लैनेट बॉलीवुड और हम है बॉलीवुड का बिगेस्ट न्यूज शो। रणवीर सिंह है दीपिका से नाराज। क्या रणवीर को नहीं मिल रही है दीपिका से वो कमिटमेंट जिसकी वो कर रहे थे उम्मीद? क्या दीपिका और रणवीर के रिलेशनशिप का होने जा रहा है द एंड? लेट्स अनबॉक्स द स्टोरी। क्या दीपिका और रणवीर का रिलेशनशिप आ गया है ब्रेकअप की कगार पर? क्या दीपिका और रणवीर कर सकते हैं अपने लव का दी एंड? वेल, रिपोर्टेडली रणवीर हो गए हैं दीपिका से अपसेट और इसी वजह से इनकी रिलेशनशिप में आ गई है प्रॉब्लम्स। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणवीर सिंह दीपिका के लिए अपनी फीलिंग्स को जिस तरह पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं, जिस तरह दीपिका के करियर अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, उस तरह का रिस्पॉन्स कभी रणवीर को दीपिका की तरफ से नहीं मिला है। दीपिका के हॉलीवुड डेब्यू को भी रणवीर ने जमकर सोशल मीडिया पर प्रमोट किया था। रणवीर दीपिका की अचीवमेंट से कितने खुश हैं, ये बात दुनिया को बताने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते, पर दीपिका ने ना ही कभी पब्लिकली रणवीर के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया और ना ही कभी रणवीर की फिल्म्स को प्रमोट किया। और रिसेंटली जब रणवीर की फिल्म बेफिक्रे का ट्रेलर रिलीज हुआ तो हर किसी ने उसके बारे में बात की। रणवीर के स्ट्रिप्टीज से लेकर वाणी कपूर के साथ उनके 23 किसेस ने फिल्म के लिए बज क्रिएट कर दिया। लेकिन जिसकी बातों का फर्क रणवीर को सबसे ज्यादा पड़ता है, यानी उनकी गर्लफ्रेंड दीपिका ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि अगर वो रणवीर की फिल्म के बारे में बात करेंगी तो इसका फायदा उनकी फिल्म को होगा, लेकिन फिर भी दीपिका चुप हैं। रिपोर्टेडली दीपिका की यही बात रणवीर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और शुरू हो गई प्रॉब्लम्स। वैसे इससे पहले भी रणवीर दीपिका के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की न्यूज आ चुकी है, लेकिन उस टाइम इस कपल ने रोमांटिक हॉलीडेज पर जाकर अपने बीच की सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया था। Well, इस बार भी वेकेशंस पर जाकर ये बॉलीवुड कपल अपने बीच आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या नहीं, ये भी जल्द पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ऐश्वर्या है फिल्म ए दिल है मुश्किल के प्रमोशन से दूर। क्या करण जौहर को कॉल करके बिग बी ने ऐश्वर्या की करवाई फिल्म के प्रमोशन से छुट्टी, या फिर ऐश्वर्या के प्रमोशन से दूर रहने की है कोई और ही वजह? Let's unbox the story. Planet Bollywood. रणवीर के साथ ऐश क्यों नहीं प्रमोट कर रही फिल्म ए दिल है मुश्किल? क्या ऐश्वर्या की इस फिल्म के प्रमोशन से दूर रहने की वजह है बिग बी? क्या करण जौहर को कॉल करके बिग बी ने ऐश्वर्या को इस फिल्म के प्रमोशन से किया दूर? मुश्किल का प्रमोशन जब से शुरू हुआ है, रणबीर अकेले ही प्रमोशन का जिम्मा उठाए घूम रहे हैं। अनुष्का बुडापेस्ट में अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं और ऐश इंडिया में रहने के बावजूद इस फिल्म को प्रमोट नहीं कर रही हैं। ऐसे में खबर आई थी कि ऐश्वर्या को खास बिग बी के कहने पर करण जौहर ने इस फिल्म के प्रमोशन से दूर रखा है। लेकिन अब जूम को सोर्सेस से एक अलग ही कहानी पता चली है। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या के इस फिल्म के प्रमोशन से दूर रहने की वजह अमिताभ बच्चन नहीं है। दरअसल करण जौहर ने ऐश्वर्या को इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए बुलाया ही नहीं है। कहा जा रहा है इस फिल्म में अनुष्का शर्मा का रोल ज्यादा बड़ा है। ऐसे में करण जौहर नहीं चाहते थे कि ऐश को प्रमोशन में अकेले शामिल करके वो लोगों को गलत सिग्नल दें। ऐसे में करण अनुष्का शर्मा का इंतजार कर रहे हैं।
कि वो द रिंग के शूट से वापस आए और फिर ए दिल है मुश्किल का प्रमोशन शुरू हो। लगता है इस फिल्म को किसी की नजर लग गई है। पहले ही ये फिल्म फवाद खान की वजह से कंट्रोवर्सी में फंसी थी और अब रूमर्स की वजह से इस फिल्म को नुकसान पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। दीपिका, प्रियंका और कंगना के बीच आजकल चल रहा है एक्सेंट वॉर। पहले कंगना ने प्रियंका और दीपिका के एक्सेंट को बनाया निशाना और अब दीपिका ने ओपनली कंगना और प्रियंका को किया है टारगेट। इट्स टाइम टू अनबॉक्स दिस स्पेशल स्टोरी। क्या दीपिका ने अपने इंडियन एक्सेंट के साथ दिया कंगना को करारा जवाब? क्या दीपिका का नेचुरल इंडियन एक्सेंट पढ़ सकता है प्रियंका के चेंज्ड एक्सेंट पर भारी? Well, जब भी किसी बॉलीवुड एक्टर को हॉलीवुड का टिकट मिलता है तो अक्सर उसका एक्सेंट बदल जाता है। ऐसा ही कुछ प्रियंका के साथ भी हुआ। प्रियंका को हॉलीवुड में जहां काफी अप्रिसिएशन मिला, वहीं कुछ चैट शोज में उनके चेंज्ड एक्सेंट को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। यही नहीं, कंगना ने दीपिका और प्रियंका के एक्सेंट पर कमेंट करते हुए रिपोर्टेडली कहा था कि दीपिका और प्रियंका को हॉलीवुड जाने के बाद अपना एक्सेंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अब लगता है कि कंगना और प्रियंका को अपने इंडियन एक्सेंट के साथ जवाब देने आ गई हैं दीपिका। अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म ट्रिपल एक्स में दीपिका अपने सभी डायलॉग्स नेचुरल इंडियन एक्सेंट में बोलती नजर आएंगी और अपने इसी नेचुरल एक्सेंट के बारे में दीपिका का कहना है, फॉर इयर्स वी हैव एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एंड ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट फॉर एग्जांपल, सो इट्स हाई टाइम वी एक्सेप्ट एन इंडियन एक्सेंट। आई प्ले एन इंडियन गर्ल इन द फिल्म एंड फॉर मी इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आई गेट टू बी माई सेल्फ। That is one of the aspects that drew me to the script and attracted me to do this film. The fact that for once I was allowed to be myself is fantastic. I was allowed to flaunt that I am Indian. वैसे अगर दीपिका के इस कमेंट पर ध्यान दिया जाए तो जहां एक तरफ उन्होंने कंगना को करारा जवाब दिया है, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के चेंज्ड एक्सेंट को टारगेट भी किया है। जाहिर है, जहां दीपिका हॉलीवुड में प्रियंका को पीछे छोड़ने की कोशिश में हैं, वहीं बॉलीवुड में कंगना उनके लिए बड़ा कॉम्पिटिशन है। ऐसे में भला दीपिका इन दोनों ही एक्ट्रेसेस पर कॉमेंट करने का कोई मौका कैसे छोड़ सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। कैटरीना कैफ को अचानक सेलिब्रिटीज के साथ लेट नाइट पार्टीज करने की क्यों पड़ गई है जरूरत? प्लैनेट बॉलीवुड का बिग रिवील आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। फिल्म भले ही बनी हो डब्बा, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को झूठी तारीफ करना खूब आता है। आखिर बॉलीवुड सुपरस्टार्स को खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने की क्यों पड़ जाती है जरूरत? लेट्स अनबॉक्स द स्टोरी। It's, I think, the most artistic film I have seen. Breathtakingly beautiful. Ritik ko Harshvardhan Sayami ki film lagi breathtaking. Breathtakingly beautiful. Jacqueline ke liye treat to watch thi Mirzia. For me, it was like a very beautiful treat to watch. Kai aur Bollywood celebs jaise Sunil Shetty, Neha Dubbia, Anupam Kher, sabhi ko Harshvardhan Sayami ki film aayi behad pasand. The film's beautiful. Bahut badhiya. Bachchon ne bahut acha kaam kiya. I think we've got a good film. Very good film. I really loved Mirzia. I cried in the film. Mujhe to bahut achi lagi. Bahut hi interesting hai. Bahut khoobsurat film hai. Bahut visually stunning film. Bahut saalon baad itni beautiful फिल्म देखी मिर्ज़िया। स्टार्स ने तो फिल्म की जबरदस्त तारीफ की, लेकिन रिलीज होते ही फिल्म की असलियत सामने आ गई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई, साथ ही फर्स्ट वीकेंड पर फिल्म का डोमेस्टिक कलेक्शन करीब 7.5 करोड़ था। ऑडियंस भी हर्ष और सायामी को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। फिल्म को लेकर ऑडियंस के व्यूज तो कुछ और ही थे। ऑडियंस को हर्षवर्धन सायामी स्टारर फिल्म लगी टाइम पास। बकवास। टाइम पास। इट्स अ पैथेटिक फिल्म। टाइम पास भी नहीं हो रहा था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड स्टार्स ने सिर्फ इसीलिए फिल्म की तारीफ क्योंकि ये अनिल कपूर के बेटे की डेब्यू फिल्म थी? क्यों ऋतिक, जैकलिन जैसे बाकी सेलेब्स ने किया फिल्म को अप्रिशिएट? क्या वजह थी जो ये सभी फिल्म को प्रेज करते नहीं थके? वैसे सिर्फ मिर्जिया ही क्यों,
कटरीना सिद्धार्थ की बार बार देखो को ही ले लीजिए। फिल्म की स्क्रीनिंग से निकले सभी सेलेब्स ने फिल्म को थम्स अप दिया था। हालांकि रिलीज होते ही फिल्म पर फ्लॉप का स्टैंप लग गया। इसके अलावा की एन का और शानदार जैसी फिल्म्स का भी यही हाल हुआ। इन फिल्म्स को लेकर बज तो बहुत था, मगर जब ये फिल्म्स थिएटर में लगी तो चाहे करीना और अर्जुन की एन का हो या फिर चाहे दालिया की शानदार, एक भी फिल्म नहीं चली। लेकिन बात करें बॉलीवुड की, तो फिल्म की स्क्रीनिंग पर स्पॉट किए गए सेलेब्स फिल्म की वाहवाही करते नहीं रुके। रिस्पॉन्स हैज जेन्युइनली बीन वेरी वेरी काइंड, वेरी वेरी गुड। दे ऑल बीन वेरी काइंड, इट्स बीन ओवरवेलमिंग। क्या काम किया मेरे भाई, क्या काम किया मेरे भाई, क्या काम किया, पता नहीं क्या काम किया। आई लाइक, आई डोंट बॉल कैसे, इट्स लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड। बहुत 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 अच्छी फिल्म है। मुझे सच में की बनने का मन कर रहा है, मुझे बहुत मजा आया सीरियसली। देखकर तो लगता है कि स्टार्स फिल्म्स की तारीफ सिर्फ यूं ही करते हैं, क्योंकि इन्हीं फिल्मों को लेकर ऑडियंस की राय तो हमेशा ही अलग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सोशल मीडिया से लेकर इंटरव्यू में आ रहे कैटरीना के बोल्ड बयानों की क्या है वजह, बिग रिवील ब्रेक के बाद। कैटरीना की रोज हो रही है सेलिब्रिटीज के साथ लेट नाइट पार्टी, और सोशल मीडिया पर फैंस के साथ हो रहे हैं इंटरैक्टिव सेशंस। क्या ये सब कुछ कैटरीना यूं ही कर रही है या फिर इसके पीछे है कोई और मिस्ट्री? लेट्स अनबॉक्स द स्टोरी। क्या कैटरीना कैफ हो गई हैं टू डेस्परेट फॉर अ हिट? क्या कैटरीना कैफ ने बना ली है खुद को प्रमोट करने की और एक हिट पाने की न्यू स्ट्रेटजी? कभी रणवीर की तारीफ तो कभी सुशांत के लिए प्रेज, क्यों कैटरीना बन गई हैं इनकी एडमायरर? दरअसल कैटरीना कैफ इंटरनेट पर कई सालों से मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी तो बनी हुई थी, बट शी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम बीइंग ऑन एनी सोशल मीडियम। एंड रिसेंटली आफ्टर अ लॉट ऑफ पर्सुएशन, जब वो फेसबुक पर आई तो उन्होंने ली धमाकेदार एंट्री एंड शी गॉट 3 मिलियन लाइक्स इन 12 आवर्स। पर उनका फेसबुक पर यू आना कैटरीना की एक स्ट्रेटजी की तरह देखा जा रहा है, जहां वो बाकी सेलिब्रिटी से आगे निकलने की होड़ में है। एंड फॉर दैट शी हैज स्टार्टेड अ ट्रेंड ऑफ आंसरिंग फैंस लाइव ऑन दिस मीडियम। हर थोड़े दिनों में कुछ अपडेट, रोज नई पिक्स, रोज नए कोट्स, और ये सब देख के एनीबॉडी विल वंडर कि वो पहले जब सोशल मीडिया पर नहीं थी तो एक्चुअली करती क्या थी। सिर्फ यही नहीं, सलमान के साथ टाइगर जिंदा है में काम तो वो कर ही रही हैं, बट शी इज ऑल प्रेजेस फॉर द न्यू एक्टर्स टू, क्योंकि शायद वो जानती हैं कि फ्यूचर वही स्टार्स हैं, एंड टू गेट वर्क विद देम कैटरीना कर रही हैं जम के तारीफें। रिसेंटली कैटरीना ने सुशांत के लिए कहा कि उन्होंने धोनी की बायोपिक में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एंड शी हैज हर्ड अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट हिम। ना कभी ऑनलाइन एक्टिव और ना कभी दूसरे एक्टर्स की तारीफ करने वाली कैटरीना क्यों हो गई हैं अचानक से इतनी ओपन आउट एंड फ्रेंडली, ये समझना मुश्किल नहीं। वेल एक्चुअली उनके फ्लॉप ट्रैक रिकॉर्ड के बाद शी नीड्स अ हिट डेस्परेटली, और उसी के लिए कैटरीना की हो सकती है ये न्यू स्ट्रेटजी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद के साथ करेंगी अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल, कमिंग अप ऑन आवर नेक्स्ट शो 30 में 30। दिस इज इट फॉर नाउ, बट स्टे ट्यून्ड फॉर ओपो टाइम्स फ्रेश फेस कॉन्टेस्ट, जिसका नागपुर के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पुणे। Nationwide talent hunt with beautiful faces, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल, वो है ओपो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। और लास्ट वीक नागपुर में फाइनलिस्ट चूज करने के बाद इस वीक हम आए पुणे, जिसका फिनाले हुआ फीनिक्स मार्केट सिटी में। यहाँ हजारों ब्यूटीफुल फेसेस में से चुने गए चोजन 8 फ्रेश फेसेस, जहाँ बॉयज और गर्ल्स ने कॉन्फिडेंट रैंप वॉक, थ्रिलिंग परफॉर्मेंसेस और स्मार्ट Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कॉम्पिटिशन।
इस इवेंट की हाईलाइट रही ओप्पो सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर कूल पोज दिया और ली एक ब्राइट और ब्यूटीफुल ओप्पो सेल्फी। इवेंट पर मौजूद जजेस के लिए भी मुश्किल रहा टू चूज टू बेस्ट आउट ऑफ दीज अमेजिंग टैलेंट्स विद ब्यूटीफुल फेसेस। मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, बिकॉज वी हैव कवर्ड एवरी एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। फॉर संदेश अगाथे, जूम मुंबई।